नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकेंड न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। गुजरात चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद जो विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहा था वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। मोदी की आंधी ऐसी चली कि पूरा विपक्ष साफ हो गया। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सब शांत नजर आए। लेकिन इस चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, दिल्ली की तरह गुजरात की जनता को भी फ्री की लॉलीपॉप थमाने पहुंचे थे, उनको भी जनता ने सिरे से नकार दिया। अरविंद केजरीवाल इसलिए भी चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने पर्चे पर लिख कर दिया था कि उनके तीन कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो तीनों ही अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके खूब मजे लिए और लोग कहने लगे कि पंजाब में लिखकर देने के बाद जो चस्का उनको लगा था वो हर जगह काम नहीं आने वाला। अब उन्हीं के पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर एक बार फिर अपनी और पार्टी की फर्जियत करवा ली। दरअसल संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, अगर गुजरात की जीत का क्रेडिट मोदी जी को मिलना चाहिए तो एमसीडी, हिमाचल और उपचुनाव के हार का ठीकरा किसको मिलना चाहिए। आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी को वहां एक भी सीट नहीं मिल पाई। उसके बाद भी संजय सिंह ने ये ट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। अब इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके खूब मजे लिए। एक यूजर ने लिखा, जिन चैनलों पर खुजलीवाल ने लिख कर दिया था उन न्यूज चैनलों पर आकर वो मुर्गा बनेगा। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, उसका चिंतन बीजेपी करेगी, चिंटू मिंटू अपना देखे। एक ट्विटर यूजर देव ने तो अपने ट्वीट में ये तक लिख दिया कि तुम्हारा क्या हुआ भैया, हिमाचल में एक भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बचा पाए, पहले अपना सोचा करो, दिल्ली वालों ने एमसीडी तुमको काम करने के लिए दी है, काम करो, अब ये खाली पीले की बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। वहीं दूसरी तरफ एमडीएस लिखते हैं, तुम्हारे क्रेडिट देने ना देने से कुछ नहीं होगा, जमानत जब्त पार्टी के महोदय, ठीकरा केजरीवाल पर फोड़ो, मुंह की खा के आए हैं। लता राठी कहती हैं कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ो, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाना राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्म का विषय है, यदि थोड़ी बची है तो उसमें डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।